गुड मॉर्निंग नमस्कार टुडे इस टॉपिक इज हाउ डज़ अ फीमेल बॉडी चेंज आफ्टर सेक्स तो आइए जानते हैं कि बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आते हैं पॉइंट नंबर में में या सेक्स चार स्टेजेस होते हैं स्टेज नंबर वन इज एक्साइटमेंट स्टेज इस स्टेज में आपका पल्स बढ़ जाता है बीपी बढ़ जाता है जो पल्स बढ़ता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो ब्रीदिंग रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो सिक्रीट होने लगता है तो इस वजह से बॉडी बहुत डैम स्वेटी फ्लस्ड रेड दिखाई पड़ती है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में जैसे ब्रेस्ट में भी ब्लड फ्लो बढ़ता है इसकी वजह से देर इज एरेक्शन ऑफ निपल्स ब्लड फ्लो ऑल्सो इंक्रीजेस टू दिइटल ऑर्गन्स इसकी वजह से क्लाइटोरिस स्वेल अप हो जाता है वेजाइना स्वेल अप हो जाती है कलर चेंज हो जाता है और लुब्रिकेशन सीक्रेट होने लगता है इन शॉर्ट बॉडी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द सेक्स सेकेंड स्टेज आता है प्लैटो फेस प्लैटो फेस।, फेस का मतलब कि यही सारे सिम्टम्स यही सारी चीजें अपने आप बिल्ड अप होने लगती हैं अपने आप इंटेंसिफाई होने लगती हैं लिब्रिकेशन और बढ़ जाता है एक्साइटमेंट और तेज हो जाता है थर्ड स्टेज आता है orgasm. Orgasm वो स्टेज है है, कि अल्टीमेट रिलीज ऑफ एनर्जी होता इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और वेजाइनल uh, मसल्स होता है इसके अलावा एक तरीके का हार्मोन बॉडी सीक्रेट करती है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं ऑक्सीटोसिन हैप्पी हार्मोन है या लव हार्मोन है इसके सीक्रेट होने के बाद इंसान को अच्छी फीलिंग आती है या आप जिसके साथ हैं उसके प्रति बॉन्डिंग बढ़ जाती है चौथा फेज आता है रेजोल्यूशन फेज जब आपका एक्साइटमेंट कम होने लगता है बॉडी में ये सारे चेंजेस रिवर्ट बैक होने लगते हैं और कुछ हॉर्मोन्स की वजह से आपको स्लीप भी इंड्यूस हो जाती है ये सारी चीजें आपको सेक्स के बाद में दिखाई पड़ती हैं इसी टॉपिक पे मैं एक बात और आपसे कहूंगी कि हाइमन के बारे में लोग बहुत पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम हाइमन टूटता है ब्लीडिंग होती है ये वर्जिनिटी टेस्ट क्या है ये सब चीजें क्या है तो वर्जिनिटी टेस्ट टू फिंगर टेस्ट हाइमन टेस्ट वैसे तो अब आउटडेटेड चीजें हैं इसलिए क्योंकि बेसिकली हाइमन है क्या एक कवरिंग है जो कि वेजाइना के ऊपर देखी जाती है इसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं जिससे आपका मैं ब्लड बाहर आ सकता है सेक्स के टाइम पे या किसी फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे भी जैसे जिमिंग स्विमिंग हॉर्स राइडिंग या टैम्पोन्स लगाते समय या मेंस्ट्रुअल कप लगाते समय भी ये टूट सकता है तो जरूरी नहीं कि ये सेक्स के दौरान ही टूटे कई लेडीज में ये पहले ही टूट जाता है या कई लेडीज में ये होता ही नहीं है तो एस सच जो ये वर्जिनिटी टेस्ट है जो ये पेट्रियॉर्कल सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है ये आउटडेटेड है और कोई भी इस तरीके की बातें करें तो प्लीज इसको इग्नोर मारें